ओके सो लास्ट इसमें अपन ने सिंथेसिस ऑफ एस्टर्स देखे थे ये रिएक्शंस ऑलरेडी अपन ने देख चुके हैं so सो इसको अपन नहीं देखेंगे विल जस्ट कंटिन्यू विद रिएक्शंस तो ये अपन ने देखा था एस्टर का सिंथेसिस ठीक है ना ये एक और मेथड है जिसमें अपन सिंथेसाइज करते हैं सो मेक श्योर कि यू गो थ्रू दिस रिएक्शन ओके ट्राई टू रिमेंबर उसके बाद क्या होता है कि एज यू गो वेन यू सी द रिएक्शन इमीजिएटली किक सीन ओके तो तुमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यू डोंव टू रीड लॉट ऑफ थियोरी अबाउट इट जस्ट ट्राई टू रिकॉल दियोरी जब तुम ये रिएक्शन देखते हो सो यहाँ तक अपने देखा था अब यहाँ पे अपन देखते हैं रिएक्शंस ऑफ एस्टर्स ओके ये एस्टर्स के रिएक्शन समंस आर ईजी ओके अपन देख चुके हैं जैसे हाइड्रोलोसिस ऑफ एस्टर फॉर एग्जाम्पल वो अपन देख चुके हैं कुछ रिएक्शंस जो थोड़े है थोड़े नए so, हैं सो यहाँ पर एक नई रिएक्शन अपन देख रहे हैं क्लेसन कंडन ओके okay? रिएक्शन का नाम ध्यान को, reaction, तो में रखो इट्स अ नेम रिएक्शन इट्स अ क्लेसन कंडेंसेशन। तो इसमें अपन क्या करते हैं कि जैसे इथल uh, एसिटेट ले रहे अपन फॉर एग्जाम्पल ओके इट्स एस्टर और इसको मैं सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्ट करता हूँ ओके एंड सो वॉट आई गेट इज इथिल एसिटो एसिटेट ओके इथिल एसिटो एसिडेट इसको एक फंक्शनल ग्रुप कैटेगरी में डाल दिया इसको बोलते हैं अपन बेटाकिटो एस्टर ठीक है दिस इज बेसिकली योर इथल एसिटो एसिटेट ठीक है इसको अपन क्या बोल रहे हैं बेटा कीटो एस्टर देखो ये एस्टर फंक्शन है इज इट एस्टर फंक्शन के बाजू में दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बेटा कार्बन बेटा कार्बन के ऊपर कीटोन ग्रुप है ठीक है ना सो so इसको अपन बोल रहे हैं बेटा कीटो एस्टर ठीक है ओके okay, यहाँ पे मैंने बी टाइप uh, किया है बिकॉज आई कोडेंट एक्चुअली गेट बेटा देयर तो इसलिए बी लिया है बट इट्स बेटा ओके तो ये बेसिकली कंडेंसेशन रिएक्शन है एंड इट हैपन्स बिटवीन टू एस्टर मॉलिक्यूल्स दो एस्टर मॉलिक्यूल्स कंडेंस होते हैं एंड व्हाट वी गेट इज अ बेटा किडवेस्टर ठीक है इसमें अपन रिएक्ट कर रहे हैं मतलब रिएजन जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज सोडियम इथॉक्साइड ओके और इसको फिर फाइनली अपन एसिडिफाई करते हैं एंड वी गेट बेटा किडवेस्ट ओके एंड देन वी कैन एक्चुअली कन्वर्ट दिस बेटा किडवेस्टर इन टू डिफरेंट सब्सटीट्यूट ओके दिखाता हूँ मैं किस तरह से किया जा सकता है सो सिंपल से रिएक्शन एक्चुअली देखा जाए तो राइट right, और इसका मैकेाननिज़म देखेंगे तो तुमको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली exactly किस तरह से हो रहा है इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन राइट वॉट यू हैव इज वन मॉलीक्यूल हैज़ एस्टर फंक्शन इंटैक्ट ओके तो ये फंक्शन को मैं इस फंक्शन के साथ कम्बाइन कर रहा हूँ समझ दूसरे मॉलिक्यूल का जो किटोन uh, फंक्शन है उसके साथ और एक मॉलिक्यूल का एस्टर फंक्शन है इसको इनको दोनों को कम्बाइन कर रहा हूँ एंड दैट गिव्ज़ मी माई प्रोडक्ट ओके तो देखो मैकेनिज्म इस तरह से होता है देखो सोडियम इथॉक्साइड यूज़ कर रहे हैं अपन विच इज़ अ बेस ओके इट्स अ स्ट्रांग बेस अल्का इसको अपन यूज़ करते हैं अल्कोहलिक कंडीशन में बेसिकली अल्कोहलिक कंडीशन इट्स अ स्ट्रांग बेस तो ये क्या करता है कि जो अल्फ़ा कार्बन होता है उसके ऊपर का जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट करता है रिमेंबर दीज हाइड्रोजन्स आर एसिडिक ठीक है ना एसिडिक हाइड्रोजन रहने की वजह से इथॉक्साइड बेस कैन एक्चुअली रिमूव दिस हाइड्रोजन ओके एंड वॉट वी गेट इज इनोलेट ओके दैट इज़ अ इनोलेट ये इनोलेट ध्यान में रखना है क्योंकि इसके आगे मतलब जब अपन टूअर्ड्स द एंड रहेंगे इस चैप्टर के हम लोग इनोलेट केमिस्ट्री का एक पोर्शन ही देखने वाले एक रिएक्शन ही देखने वाले उसमें ये रिएक्शन भी आती है लेकिन इसको मैं यहाँ पे आ, एस्टर वाले फंक्शन ग्रुप में डिस्कस कर रहा हूँ ठीक है ना बट यही रिएक्शन फिर तुमको बाद में इसी चैप्टर में एंड में दिखेगी मैं सिर्फ मैंशन करूँगा उसको सो so, ये अपने को इनोलेट मिलता है समझ में आया क्या इसको अपन बोलते हैं इनोलेट जब कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ओके okay? तो इसको बोलते हैं अपन इनोलेट इनोलेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दिस कैन एक्चुअली बी कन्वर्टेड इन टू इनॉल है ना सो so, ये सी एच हो गया और इसको मैं ओ माइनस में कन्वर्ट कर सकता हूँ डबल बॉन्ड ओ oh, सो so ये एक्चुअली सॉरी ये दिखाया है ये ना मैंने अननेसेसरीली so मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको बट यू कैन एक्चुअली सी द रेजोन स्ट्रक्चर ऑफ इट ठीक है ना सो दिस इज एक्चुअली इनोलेट ये इनॉल का सॉल्ट हो गया ना इनॉल का सॉल्ट है तो इसको क्या बोल रहे हैं इनोलेट या सो बेसिकली बोथ ऑफ देम आर इनोलेट इज एट रेड सो इसीलिए अपनी इसको इनोलेट बोल रहे हैं बिकॉज दिस इज द वन दैट वी एक्चुअली यूज दैट्स वाई एक्चुअली देखा जाए तो इनोलेट ये है ठीक है ना क्योंकि यू नो इट्स अ सॉल्ट ऑफ इनॉल यहाँ पे अगर मैं ओ OH एच कर दूँ इट बिकम्स अ इनॉल ठीक है डोंट वरी अबाउट दिस ग्रुप बट दिस बिकम्स अ इनॉल या दिस फंक्शनैलिटी सो उसका सॉल्ट रहने की वजह से इसको अपन इनोलेट बोल रहे हैं ओके सो दिस इज अवर इनोलेट ओके और इसको अपन यूज करते हैं फॉर फर्दर रिएक्शन समझ में आया क्या इज दिस अंडरस्टूड बाकी लोग ठीक yes, yes, so, है सो केमिस्ट्री जिसमें इनोलेट फॉर्म होते हैं इसका एक स्पेशल कैटेगरी है इसको अपन इनोलेट केमिस्ट्री बोलते हैं और ये अपन आगे देखेंगे बेसिकली कुछ रिएक्शन इसके ठीक है सो वी टेक दैट इनोलेट और ये इनोलेट अभी दैट बिकम्स ओवर न्यूक्लियोफायर ओके और ये एस्टर के ऊपर अटैक करता है ठीक है सो दिस इनोलेट एक्चुअली गोज एंड अटैक दैट पोर्शन दिस ग्रुप गेट्स रिमूवड ओके okay. सो so, ये रिमूव हो जाता है बेसिकली यू गेट सम यू नो इन बिटवीन यू गेट सम सॉर्ट ऑफ इंटरमीडिएट ये मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे बट डोंट हैव टू वरी अबाउट इट क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है वापस आएगा और ये निकल जाएगा ओके okay? और अपने को मिल रहा है बेटा कीटो एस्टर समझ में आ गया या दिस गेट्स रिमूव या सो इसको तुम निकाल दो सीधा सीधा एंड यू गेट बेटा कीटो एस्टर ओके सो दिस इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट ओके एंड वी कैन एक्चुअली डू लॉट ऑफ थिंग्स विद इट जो अपन आगे देखेंगे इनोलेट केमिस्ट्री में सो टू गिव यू एग्जाम्पल ऑफ दिस एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें जैसे कोई एस्टर ले रहा हूँ मैं सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ इथल ठीक है ये ले लिया रिम्बर इथल बेसिकली इज अ लिविंग ग्रुप इसको अपन लिख लेते हैं सी एच टू सी एच थ्री राइट और इसको अगर मैं मान लो सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्ट करता हूँ एन ए ओ सी एच टू सी एच थ्री सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ तो ये सोडियम इथॉक्साइड क्या करेगा इसका इनोलेट बनाएगा एजेंट इट दिस इज योर अल्फा कार्बन दिस इज योर अल्फ़ा कार्बन तो इसका इनोलेट बनाएगा ओके सो दिस विल बेसिकली क्रिएट एन इनोलेट तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी एच टू माइनस सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच टू सी एच थ्री ठीक है ना अब ये जो इनोलेट है ये एस्टर के ऊपर अटैक करेगा सो सम ऑफ द मॉलिक्यूल सम ऑफ द इनोलेट्स दैट आर फॉर्म्ड ये इक्विलिब्रियम uh, वाला रिएक्शन रहेगा रिमेंबर दिस इज गोइंग टू बी इक्विलिब्रियम बेसिकली तो जो इनोलेट्स फॉर्म हो रहे वो एस्टर के ऊपर ही अटैक करेंगे एंड दैट्स हाउ द रिएक्शन गोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ये इस तरह से और ये इसको भगा दो दिस इज द लिविंग ग्रुप देन ओके एंड वॉट यू गेट इज अब All you have to do is to draw the molecule. You start with uh, this CH three. Okay, yes, yes, CH three से अपन start करेंगे. So it is CH three. उसके C double bond O. Okay, and then you just continue writing this this portion. Okay, so you get CH two, C double bond O, O CH two CH three. apna beta keto ester. That is the final product. So that's how you write this product. ओके okay, इस रिएक्शन का नाम क्या है क्लेसन कंडेंसेशन अंडरस्टूड यहाँ पे इथेनॉल मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है ना दिस मॉलिक्यूल दिस पोर्शन इज गेटिंग रिमूव्ड दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन ओके सो जैसे यहाँ पे यहाँ पे जो रिमूव हो रहा है दैट पोर्शन दैट विल कंबाइन विद द हाइड्रोजन एंड दैट इज बेसिकली वॉट इज गेटिंग रिमूव्ड सो इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं इसको कंडनसेशन रिएक्शन और नेक्स्ट इज क्रॉस्ड क्लेशन कंडेंसेशन इसमें अपन देखते हैं कि एक ऐसा मॉलिक्यूल चूज करते हैं जिसमें देर इज नो अल्फ़ा हाइड्रोजन ठीक है मतलब एक एस्टर ऐसा लेंगे जिसमें देर इज़ नो अल्फ़ा हाइड्रोजन और दूसरा एस्टर रहेगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो देखो ये दो एग्जाम्पल ले रहे हैं इथिल बेंजोईट ले लिया और इथिल एसीटेट ले लिया ठीक है इथिल बेंजोट में देर इज़ अल्फ़ा कार्बन बट उसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है हाइड्रोजन no या yeah? और यहाँ पे देर इज अल्फा हाइड्रोजन क्लियर है सो वी हैव दिस विदाउट अल्फा हाइड्रोजन दिस विथ अल्फा हाइड्रोजन तो क्या होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वही तुम्हारा इनोलेट बनवाएगा ठीक है ना सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म द इनोलेट तो यहाँ पे मैं निगेटिव चार्ज दे रहा हूँ दिस इज गोइंग टू बी लाइक सी एच टू माइनस ठीक है आई डोंट एक्चुअली हैव ट जस्ट राइट इट इज नेगेटिव और अब ये जाके इसके ऊपर अटैक करेगा ओके एंड यू डोंट हैव टू शो द होल थिंग यू कैन से ओके दिस इज द रिमूवल लिविंग ग्रुप ये रिमूव हो जाएगा एंड देन आउ यू कैन जस्ट ड्रा द स्ट्रक्चर देखो स्ट्रक्चर ड्रा यहाँ से करेंगे अपन बनजेंद्रिंग ओके दैट इज देट यू हैव एंड देन यू हैव दिस एंड सी डबल बॉन्ड ओ और उसके बाद यू हैव टू ड्रा द रेस्ट ऑफ द पोर्शन विच इज़ देट राइट दिस इज ऑल्सो बेटा किटो एस्टर लेकिन ये क्रॉस क्लेशन से अपन निभा है ओके एंड देन सी वॉट वी कैन डू विथ बेटा किटो एस्टर समझ में आके इसके बाद अपन देखेंगे बेटा कीटो एस्टर से अपन क्या बनवा सकते हैं राइट सो दैट्स वाई वी केट दिस क्लियर है नेक्स्ट इज डिकम कंडेशन ओके दिस इज बेसिकली सिमिलर टू क्लेशन कंडेंशेसन डिफरेंस है दिस इज एक्चुअली एन इंट्रामोलिकुलर क्लेसन कंडेशन इसको अपन बोलते हैं डिकमन कंडेंसेशन इंट्रामोलिकुलर मतलब कि एस्टर ग्रुप्स है और वो दीज आर बेसिकली पार्ट ऑफ द सेम मॉलिक्यूल ओके सो दीज आर डायस्टर्स ओके एंड डायस्टर रहने की वजह से दे आर पार्ट ऑफ द सेम चेन ओके तो इसकी वजह से क्या होगा यू गेट साइक्लाइजेशन ठीक है सो यू हैव अल्फ़ा हाइड्रोजेंस यहाँ पे एंड यू हैव अल्फा हाइड्रोजन्स यहाँ पे दो जगह अल्फा हाइड्रोजन्स है ओके ना देर पोजिशंस आर बेसिकली सेम सो डी मैटर इज इंड इट तुम क्या करोगे किसी एक अल्फा हाइड्रोजन का इनोलेट बनवाओगे ठीक है ये अल्फ़ा हाइड्रोजन का मैंने इनोलेट बनवा लिया अब ये अटैक करेगा ऑन द रिंग और ये रिमूव हो जाएगा ओके दिस ओ आर ग्रुप विल गेट रिमूव ऑल यू हेट टू डू इसयरफुली पुट द नंबर्स दे ठीक है ना तो ये दिस इज इफ यू गिविंग दिस इज इस कार्बन वन कार्बन टू थ्री फोर फाइव फाइव मेंबर रिंग बन रहा है इट और वन के ऊपर या दिस ग्रुप सो दिस इज योर वन टू थ्री फोर एंड फाइव यू कैन सी फाइव के ऊपर यू हैव कीटोन ग्रुप इट अगेन दिस इज ऑल्सो अ बेटा कीटो एस्टर इज इट यू कैन सी दैट राइट दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बेटा बेटा के ऊपर कीटोन ग्रुप आ रहा है सो यू गेट बेटा कीटो एस्टर बट दिस इज साइक्लिक, दिस गिव्स यू साइक्लिक कंपाउंड, या व्हाट यू नीड टू डू इज टू हैव अ रिएक्टेंट जिसमें दो एस्टर ग्रुप दे आर पार्ट द सेम सेम कार्बन चेन क्लियर है क्या ओके सो यहाँ पे सिर्फ ये है कि दीज डाएस्टर्स दे शुड बी सेपरेटेड बाय इनफ कार्बन टू एक्चुअली फॉर्म रिंग जनरली यू नो वी नीड समथिंग लाइक वन टू थ्री एंड फोर कार्बन ओके सो ये एस्टर ग्रुप्स दे शुड बी सेपरेटेड बाई एटलीस्ट फोर कार्बन सो दैट यू कैन एक्चुअली गेट अ फाइव मेंबर ड्रिंग ठीक है सो फोर कार्बन से सेपरेटेड तो फाइव मेंबर ड्रिंग मिलेगा अगर पाँच कार्बन से सेपरेटेड है डिजेस्टर ग्रुप्स तो तुमको छः मेंबर ड्रिंग मिलेगा ओके सो जनरली फाइव एंड सिक्स मेंबर ड्रिंग्स आर थर्मोडानिकली स्टेबल तो यही रिंग्स फॉर्म होते हैं सेवन एट मेंबर ड्रिंक या हाइयर रिंग्स इतने आसानी से फॉर्म नहीं होते उसके नीचे वाले जो है मतलब फोर मेंबर ड्रिंग्स राइट जैसे साइक्लोब्यूटेन वाले जो रिंग है या साइक्लोप्रॉपेन वाले जो रिंग है ये भी इतने आसानी से फॉर्म नहीं होते बट यू नो इफ देर इज़ नो अदर ऑप्शन दैन दिस रिंग्स इज फॉर्म ठीक है तो so जनरली um, I would say कि four, five and six membered rings are preferred. ये बन सकते हैं ये बनेंगे So this is the mechanism for that basically. Okay, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया सर पूरे पूरे steps दिखाए इसमें You can see that all these reactions are you know these these steps are reversible. लेकिन जैसे ही cyclization हो जाता है एक बार okay, then uh, it becomes irreversible. ठीक है नेक्स्ट इज हाइड्रोलोसिस ऑफ एस्टर ये अपन ने बहुत बार देखी है इनफैक्ट ओके कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में देखा है uh, मतलब सेक्शन में देखा है कार्बोक्सिलिक के वी ऑल्सो सीन दिस इन अल्कोहल चैप्टर ठीक है ना तो एस्टर्स को अगर मैं एसिड कंडीशन में हाइड्रोलाइज करता हूँ एसिडिक हाइड्रोलोसिस करता हूँ वाट आई गेट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल रिमेंबर दैट दिस पोर्शन गिव्स यू अल्कोहल एंड दिस पोर्शन गिव्स यू कार्बोक्सिलिक एसिड तो जो अपन ने अभी देखे रिएक्शन क्लेसन कंडेंसेशन डिकमन कंडेंसेशन इसमें भी हाइड्रोलिस होता है ओके हाइड्रोलिस कैन आइदर बी एसिड कैटेलाइज और बेस कैटेलाइज्ड जनरली अपन एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिस प्रीफर करते हैं बट इट कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग बेसिस दिस इज एक्चुअली अ मैकेनिज्म फॉर एसिड कैटेलाइज्ड एंड बेस कटेलाइज हाइड्रोलोसिस देखो बेस कैटलाइज हाइड्रोलोसिस एंड दिस इज एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलोसिस ठीक है जनरली अपन ये प्रीफर करते हैं बेसिकली दिस इज हाउ इट हैपन ओके यू डोंट हैव टू मेमराइज द एंटायर मैकेजम और एनीथिंग यस जस्ट फॉर यूर रेफरेंस की किस तरह से रिएक्शंस हो रहे बिकॉज सम पीपल आर मोर क्यूरियस एग्जैक्टली वो हाउ इट इज हैपनिंग ओके सो उसके लिए देखो एसिड कैट कंडीशन में क्या हो रहा है सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन ओके डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो होता है वो प्रोटेनेट होता है और उसके बाद फिर वाटर इसके साथ रिएक्ट होता है ओके वाटर इसके साथ रिएक्ट होता है एंड यू गेट दिस इंटरमीडिएट एंड देन इवेंचुअली दिस ओ मिथिल ग्रुप जो है वो निकल जाता है दैट बिकम्स द अल्कोहल एंड द रिमेनिंग पोर्शन बिकम्स कार्बोक्सिलिक एसिड ओके समथिंग सिमिलर हैपन्स इन बेस बेसिक कंडीशन सिर्फ ओनली थिंग ये है यहाँ पे कि वी है वी आर यूजिंग बेसिक कंडीशन तो कार्बोक्सिलिक एसिड ना मिलते हो अपने को सॉल्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का इसको मेरे को एसिडिफाई uh, करना पड़ेगा एट द एंड ओके दैट इज द ओनली डिफरेंस ओके इज द रिव्यू क्वेश्चन फॉलोइंग प्रोडक्ट्स हैव बीन यूजिंग क्रॉस्ड क्लेसन कंडेंसेशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट विल रिजल्ट इन द अबाउ प्रोडक्ट तो ये अपने को प्रोडक्ट चाहिए तो इनमें से कौन से रिएक्टेंट्स मेरे को यूज करने पड़ेंगे जिससे मेरे को ये प्रोडक्ट मिलेगा ओके रिमेंबर रिएक्शन दे दिया है तो उनको क्रॉस क्लेशन कंडेंसेशन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसको सोचना पड़ता है कि जो बेसिकली जो अभी आपने सीखा है वही इसको अप्लाई करना है यहाँ पे ओके सो यू नीड टू सी दिस इज बेसिकली लाइक अ रिवर्स सिंथेसिस इसको रेट्रो सिंथेसिस बोलते हैं ये प्रोडक्ट बनाना है तो इसके लिए मैं कौन से कौन से रिएक्टेंट्स uh, यूज़ कर सकता हूँ बता सो so यहाँ पे वी नीड टू ब्रेक हीयर ओके वी नीड टू मेक एस्टर आउट ऑफ दिस तो इसका जो एस्टर रहेगा विच इज़ दिस और इसका एस्टर रहेगा ओके दैट इज़ द सेम यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन लगाना है दैट इज़ द एस्टर और राइट सो यहाँ पे देखो आ, ये इनोलेट बनवाएगा और ये इसके ऊपर अटैक करेगा एंड दैट्स हाउ वी गेट दिस प्रोडक्ट ओके तो इसको थोड़ा वर्कआउट करके देखो आ जाएगा ओके okay, जिसको नहीं आया सो यू नीड टू राइट डाउन द मैकेनिज्म तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पे कंटिन्यूंग विद रिएक्शंस ऑफ एस्टर्स ओके नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोलोसिस देखो हाइड्रोलोसिस करते हैं अपन तो अपने को क्या मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे राइट सो इथिल प्रॉप्योनेट इथिल प्रोप्योनेट तो इथिल ग्रुप जो है इसका अल्कोहल बनेगा वी गेट इथेनॉल और ये है तुम्हारा प्रॉप्योनेट ग्रुप तो उसका अपने को प्रॉप्योनिक एसिड बनेगा ओके आई होप दिस इज क्लियर कि हाउ दिस इज एक्चुअली हैपनिंग क्लियर है सभी को इसमें कोई डाउट है क्या नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन बाई यूजिंग लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड देखो एस्टर्स को मैं रिड्यूस कर सकता हूँ नॉ एस्टर्स आर नॉट वेरी रिएक्टिव रिम्बर एस्टर्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है एसिल हलाइड एसिड अनहाइड्राइड डीज आर रिएक्टिव तो इसके लिए मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड या और भी यू नो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज कर सकता हूँ लेकिन एस्टर्स आर नॉट एक्चुअली वेरी रिएक्टिव तो इसके लिए मेरे को स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना पड़ता है जैसे कि लिथियम अलूमिनियम हाइड्राइड ठीक है जनरली हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट या लिथियम हाइड्राइड यूज करूंगा लिथियम अलूमिनियम हाइड्राइड यूज करूंगा इस तरह के स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मेरे को यूज करने पड़ते हैं सो वट आई एक्चुअली गेट इज़ यू नो दिस बोथ द पोर्शन गेट्स कन्वर्टेड इन टू अल्कोहल ओके यहाँ पे इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली इट रिड्यूसेज दैट ओके सो होता क्या है कि यू हैव दिस हाइड्राइड यह दिस हाइड्राइड और ये हाइड्राइड इधर ऐड होता है एंड दिस एक्चुअली गेट्स रिमूव ठीक है सो यहाँ पे ये रिमूव होगा एंड जो पोर्शन आया है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल जो रिमूव हुआ है दैट आल्सो गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल सो यहाँ पे क्या मिल रहा है तुमको जैसे ये रिमूव होगा ओके सो फर्स्ट स्टेप इज आर वन सी ओके दिस इज गोइंग टू गेट कन्वर्ट इन डबल बॉन्ड ओ एच ये अल्डेहाइड में कन्वर्ट हो रहा है ओके प्लस आर टू ओ माइनस अल्कोक्साइड मिल रहा है इज इन रेट अब ये जो अल्डेहाइड है दैट इसके ऊपर फिर से हाइड्राइड एड होगा ठीक है ना अनदर हाइड्राइड विल कम एंड अटैक दैट थिंग और हमको मालूम है जब मैं अल्डेहाइड को रिड्यूस करता हूँ तो वाट वी गेट वी गेट एन अल्कोहल समझ में है ना सो वी बेसिकली गेट दिस प्रोडक्ट्स क्लियर है ओके फाइनल स्टेप हमेशा क्या रहेगा फाइनल स्टेप एसिडिफिकेशन और जितने भी हाइड्रो रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करते हैं उसमें उसमें लास्ट स्टेप हमेशा क्या होता है वी यूज एसिडिफिकेशन लिखा नहीं होता है बुक्स में ओके जनरली बट द लास्ट स्टेप वी हैव टू डू इज एसिडिफिकेशन टू गेट दोज हाइड्रोजन्स रिमेंबर ये हाइड्रोजन्स लाने के लिए वी नीड टू डू एसिडिफिकेशन सो वी गेट टू अल्कोहल्स ओके एग्जाम्पल देख लो इसका

which of the following can be reduced to but one all by lithium aluminium hydride okay apna product kya rehna chahiye butan one all okay it should be butan one all yeah let's look at the solution of this basically dekho ester को reduce करते हैं इसको मैं reduce करता हूँ तो मेरे को दो product मिलेंगे ब्यूटेनॉल मिलेगा एक तो सी एच थ्री सी एच टू सी है ना ये वाला पोर्शन अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और ये वाला पोर्शन इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया ठीक है ना नेक्स्ट ये वाला जो ग्रुप है ओके दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ इससे भी मेरे को क्या मिलेगा ब्यूटानॉल ही मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते अपन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ब्यूटानॉल ही मिलता है एंड सिमिलरली अल्डे विल आल्सो गिव यू ब्यूटानॉल ओके तो तीनों कंपाउंड जो है वो अपने को ब्यूटानॉल ही देंगे सो करेक्ट आंसर इज डी ओके नेक्स्ट जो पोर्शन अपन देख रहे हैं देट इज़ लैक्टोन्स लैक्टोन्स डीज आर बेसिकली साइक्लिक एस्टर्स ये मैंने तुमको काफ़ी बार बताया लैक्टोन्स के बारे में ओके okay. तो ये एस्टर्स ही है लेकिन साइक्लिक एस्टर्स है इनके रिएक्शंस जो होते हैं दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ एस्टर्स ओके थोड़ा ज़्यादा फर्क नहीं होता इनके रिएक्शंस में तो बेसिकली इनको बनाना अगर है मान लो साइक्लिक एस्टर को लैक्टोन को तो आपको लेना पड़ेगा ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है ये अपन ने देखा है इसके पहले बेसिकली ओके okay, ये रिएक्शन अपन ने देखी है राइट तो यहाँ पे देखो जो सेपरेशन है दोनों के बीच का वो है अल्फ़ा बेटा गामा एंड डेल्टा डेल्टा कार्बन पे ओ एज ग्रुप है इट और इसको मैं अगर हाइड्रोलाइज करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एसिड तो मेरे को क्या मिलेगा सो so, ये ओ एज ग्रुप इसके ऊपर ऐड होगा ओके और आफ्टर फ्यू स्टेप्स दिस ओए ग्रुप विल गेट रिमूव तो ये रिमूव हो जाएगा सो बेसिकली यू गेट साइक्लाइजेशन और हमको लैक्टोन मिलेगा ये लैक्टोन को अपन क्या बोलेंगे डेल्टा लैक्टोन ओके डेल्टा लैक्टोन क्योंकि ये कार्बन और ये ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में देर आर डेल्टा नंबर ऑफ कार्बन इज इट अल्फा बेटा ग्यामा एंड डेल्टा ओके सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा लैपटोन सो ये सिक्स मेंबर रिंग है इसको डेल्टा लैक्टोन बोलते हैं अपन अगर फाइव मेंबर रिंग होती है ओके विच इज समथिंग लाइक दिस इफ दिस इज द केस ओके एंड देर मे बी सम आर ग्रुप हियर ओके और मे बी नॉट सो इसको इसीलिए रखते हैं अपन दिस इज गोइंग टू बी अल्फा बेटा एंड ग्यामा सो दिस इज ग्यामा लैक्टोन ठीक है उसी तरह से बेटा लैक्टोन भी होता है बट बेटा लैक्टॉन्स आर लिटिल अनस्टेबल जनरली uh, अपन जब बात करते हैं तो फाइव और सिक्स मेंबर ड्रिंग बननी चाहिए ठीक है दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर बिकॉज दीज आर स्टेबल लेकिन ये रिमेंबर देर इज ऑल्सो बेटा लैक्टोन थोड़ा अनस्टेबल होता है बेटा लैक्टोन बिकॉज फोर मेम्बर रिंग है इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट ओके एंड दैट इज़ द मैकेनिज्म फॉर इट बेसिकली कैन सी ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करता है इट्स हाइड्रोलिस साइक्लाइजेशन हो गया है

साइक्लिक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इफ़ यू रिमेंबर अल्कोहल और कार्बॉक्जेलिक एसिड को अगर अपन मिलाते हैं तो अपने एस्टर मिलता है यहाँ पे कार्बॉक्जेलिक एसिड और अल्कोहल दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ द सेम मॉिक्यूल एंड दैट्स वाई यू गेट लैक्टोन रादर देन एस्टर मतलब रेगुलर एस्टर की जगह आपने को क्या मिल रहा है लेक्टोन मिल रहा है बेटर लैक्टोन रिमेंबर दे आर जनरली वेरी अनस्टेबल सो दे के बी ईजिली राइट होता क्या है कि अगर मैं बेटा लैक्टोन बनाने को जाऊँ फॉर एग्जाम्पल दिस वन ओके दिस इज़ अ बेटा लैक्टोन अगर ये बनाने जाओ तो मेरे को एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा ओके रादर देन साइक्लाइजेशन रादर देन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन दिस इज़ नथिंग बट डिहाइड्रेशन रिएक्शन डिहाइड्रेशन हो जाएगा ओ एच यहाँ से और अल्फ़ा का हाइड्रोजन ये निकल जाता है एंड वट वी गेट इज अल्फ़ा बेटा अल्फाबेटा इलिमिनेशन प्रोडक्ट ठीक है ना दिस इज बेसिकली अल्फा बेटा अनसेचूरेटेड कार्बॉक्जेलिक एसिड रे बंबर अल्फाबेटा अनसेचुरेट ये प्रोडक्ट क्यों मिलेगा क्योंकि दिस इज एक्चुअली वेरी स्टेबल कॉन्जुगेशन आ रहा है ना यहाँ पे कॉन्जुकेटेड डबल बॉन्स आ रहा है सो दीज आर वेरी स्टेबल सो इट यू नो दिस एक्चुअली इजिली डिहाइड्रेट टू गिव यू अल्फ़ाबेटा अनसेचूरेटेड कार्बॉक्जेलिक एसिड क्लियर है क्या ओके सो अल्फ़ा बेटा अनसे कार्बोक्लिक एसिड बनता है या इफ यू ट्राई टू मेक बेटर लैक्टोन राइट रिएक्शन देख लो लेक्टोन रिंग के रिएक्शंस। ओके सो पहली रिएक्शन देख रहे हैं अपन रिंग ओपनिंग रिएक्शन दिस इज बेसिकली नथिंग बट रिडक्शन यूजिंग लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड वो याद होगा एस्टर अगर लेते हैं अपन जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर प्राइम ठीक है इसको अगर मैं रिएक्ट करता हूँ लि, लिथियम अलुमिनियम हाइड्राइड के साथ तो मेरे को क्या मिलता है आर सी एच टू ओ एच प्लस ओके ये पोर्शन भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है आर प्राइम ओ एच दो अल्कोहल मिलते हैं देट इज़ एग्जैक्टली वाट हैपन्स हियर बट बिकॉज दे आर पार्ट द सेम सेम थिंग सेम चेन यू गेट इज अ डायोल ठीक है दो अल्कोहल सेपरेट ना मिलते हुए तुमको डायोल मिलेगा यहाँ पे ब्रेक करना है

एस्टर्स ओके एस्टर्स को जो रिड्यूस करते हैं अपन वी गेट अल्कोहल हाइड्रोलोसिस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का तो वी गेट बैक अवर अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पोर्शन ओके इसका अपोजिट वाला रिएक्शन शुरुआत पर देखा था वो भी मैंने बताया था कि सारे रिएक्शंस कैसे सारे स्टेप्स कैसे है रिवर्सिबल ठीक है न तो यहाँ पे मैं अपन फॉरवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन रिएक्शन जो होती है दैट इज बेसिकली बेस कैटेलाइज ओके बेस के वजह से होती है सो हाइड्रोक्साइड बेस जो होता है ओ एच माइनस ये इसके ऊपर अटैक करता है एंड दिस गेट्स रिमूव्ड ओके दिस बॉन्ड ब्रेक्स ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है एंड यू गेट कार्बोक्सिलिकसिड एंड अल्कोहल ओके सो दैट इज य रिएक्टेंट जो पहले था अभी वो प्रोडक्ट हो चुका है नेक्स्ट इज अल्कोलसिस अल्कोहलाइसिस ऑफ लैक्टोन ओके रादर देन यूजिंग वाटर ओके वाटर यूज़ न करते हुए अगर मैं अल्कोहल यूज़ करता हूँ टू ब्रेक डाउन जो मतलब अभी जो रिएक्शन अपन ने देखा उसमें अपन ने ओ OH एच माइनस यूज किया था ठीक है ना ओ एच माइनस बोले तो इसका कॉन्जुकेट एसिड होता है वाटर और अगर ये, ये यूज़ कर रहा हूँ मैं तो मेरे को क्या मिल रहा है इसके पहले वाला जो देखा था अपन ने राइट वी गेट सॉरी वी गेट दिस या देखो एन या वाटर यूज़ किया तो मेरे को क्या मिल रहा है ये दिस इज़ नथिंग बट हाइड्रोलोस रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेस दैट्स आर वी डूंग राइट सो यहाँ पे अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड पोर्शन मिल रहा है तो अगर मैं वो यूज़ ना करते हुए एन या वाटर यूज़ ना करते हुए अल्कोहल यूज़ करता हूँ तो ओ OH एच के जगह ओ ग्रुप आके चिपकेगा देट इज़ योर ओ आर ग्रुप ठीक है सो दैट इज बेसिकली इस रिएक्शन को हाइड्रोलोसिस ना बोलते हुए अपन क्या बोल रहे हैं अल्कोलाइसिस नेक्स्ट अपना फंक्शनल ग्रुप है अमाइट्स ठीक है अमाइ्स को अपन यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली कुछ कुछ बुक्स में इसको नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करते हैं विच इज़ नाइट्रोजन कंटेनिंग डेरेविटिव ठीक है ना मैंने वैसा नहीं किया है मैंने अमाइट्स को यही पे बिकॉज इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ यू नो फंक्शनल डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो सारे फंक्शनल डेरिवेटिव एक ही चैप्टर में अपन डिस्कस कर रहे हैं इसको ठीक है सो अमाइड्स ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें नाइट्रोजन आता है यहां पे ओके सो इट कैन आइदर बी जस्ट अ प्राइमरी अमाइड सेकेंडरी और टर्सरी अमाइड ठीक है डिपेंडिंग अपॉन वॉट दीज आर ग्रुप्स आर ठीक है सो अमाइड्स जो है उसका रेजोन स्ट्रक्चर होता है बेसिकली देर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन ये डीलोकलाइज होंगे इस तरह से या And what you get is this imine type of uh, compound, isn't it? So, ye dono uh, resonance structures stable hai basically. You can see that, right? Dono mein koi khas zada difference nahi They are very stable. In fact, this is more stable because of the fact that it has negative charge on the oxygen, isn't it? So, a double bond character a hai. Double bond character ki wajah ye bond strong ho jata hai. and that is the reason why it is also इट इज ऑल्सो लेस रिएक्टिव ना माइज आर द लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल डेरेवेटिव ऑफ कार्बोआक्सैनिक एसिड बराबर है लीस्ट रिएक्टिव ओके उसके पीछे एक रीज़न क्या है कि इट हैज अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर दूसरा क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ओके यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर जो रिएक्शन होते हैं अपने एडिशन इलिमिनेशन वाले यहाँ पे इसका न्यूक्लियो फिलेसिटी जो है सॉरी इलेक्ट्रोफिलेसिटी जो है इस कार्बन का वो कम हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाता है इसके वजह से भी ये लेस रिएक्टिव हो जाता है ठीक है ना अमाइड्स आर लेस रिएक्टिव फॉर टू रीजन्स वन इज दैट देर इज अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर सेकेंड इज दैट नाइट्रोजन इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इट्स अ बेसिक ग्रुप तो जिसके वजह से इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाता है न्यूक्लियो फाइल्स आर नॉट मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट दैट्स वाई अमाइड्स आर द लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ओके दे आर ऑल्सो लेस बेसिक देन अमीन्स समझ में आया ना बिकॉज रिमेंबर दिस नाइट्रोजन्स आर इन्वॉल्व इन रेजोनेस इज एंडेड ये जो नाइट्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दे आर इन्वॉल्व इन रेजोनेस इज एंडेड एंड दैट्स वाई दे आर नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए दैट्स वाई दे आर लेस बेसिक देन अमीन्स अमीन्स आर मोर बेसिक अमाइंस आ लेस बेसिक के नॉम इन क्लेचर देख लो नॉम इन क्लेचर में हम दोनों नाम में देखते हैं कॉमन नेम एंड आई पैक नेम ठीक है कॉमन नेम में अपन जो इक लगाते हैं कार्बोक्सिलिक के है ना एसिटिक एसिड दैट इज अ कॉमन नेम तो इक एसिड रिप्लेस करेंगे अपन विथ अमाइट ठीक है सो एसिटिक एसिड की जगह ये हो जाएगा एसिटा अमाइट ठीक है एसिडा दैट्स अ कॉमन नेम और अगर आईपैक नेम देखिए तो उसमें ओइक एसिड अपन रिप्लेस करते हैं इथेनोइक एसिड इट बिकम्स इथेन ठीक है ना इथेनामाइड सो so, uh, ये आई पैक नेम्स हो गए ब्रैकेट में जो लिखे और जो ब्रैकेट के ऊपर लिखे दिज आर कॉमन नेम ठीक है दिस इज अ बेंजोइक एसिड ओके बेंजोइक एसिड तो बेंजोइक एसिड का ओइक एसिड निकाल के अपन क्या लगाएंगे अमाइड सो इट बिकम्स अमाई सी रिमेंबर ऑल दीज आर नेम्ड एज डेरेवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है दैट इंक्लूड्स एसिल क्लोराइड्स राइट एस्टर्स अनहाइड्राइड्स एज वेल एज अमाइड्स ये चारों के चारों दे आर यूज दे आर नेम्ड एज डेरेवेटिव ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड ठीक है अगर सब्सटीट्यूंट है नाइट्रोजन के ऊपर तो ये सब्सटीट्यूएंट अपने को मैंशन करना है यू कैन हैव एन सब्सटीट्यूएंट तो इसको अपन मोनो सब्सटीट्यूटेड बोलेंगे एन एन सब्सटीट्यूएंट भी हो सकते हैं सो इसको अपन बाय सब्सटीट्यूटेड बोलेंगे जैसे ये हो गया नाइट्रोजन के ऊपर इथिल ग्रुप है सो वी जस्ट हैथल और बाद में देखो यहाँ पे दो कार्बन है एसिट राइट right? है ना कॉमन नेम लिख रहे हैं एसिटामाइड बेसिकली इज योर एसेटामाइट यहाँ पे एन के ऊपर दो नाइट्रोजन एन एन डायमे यहाँ पे वी हैव फिनेल ग्रुप एंड प्रॉपिल ग्रुप ऑन द नाइट्रोजन इसको अपन एन फिन एन प्रोपिल अल्फाबेटिकली लिख दिया एसेटामाइट ओके दैट्स ऑफ वी राइट दब्स्टिट्यूटेड नेम नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज सिंथसिस ऑफ अमाइट अमाइज का सिंथेसिस कैसा करते हैं तो कुछ तो रिएक्शंस अपन ऑलरेडी देख चुके हैं एक रिएक्शन फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड से ओके ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में ही तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मैं अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाता हूँ राइट दिस इज एसिड दिस इज बेस है ना एसिड बेस रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वॉट वी एक्चुअली गेट इज अमोनियम कार्बोक्सिलेट ठीक है अमोनियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एट वीक बेस इक्विलिब्रियम में भी आया था अपने को इसका सोल्यूशन कैसा होता है आइदर एसिडिक और बेसिक रेम्बर उसके लिए अपने को देखना पड़ता है इनका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स क्या है ओके सो वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट मिलता है अपने को अमोनियम कार्बोक्सिलेट ना वंस वी गेट दैट इसको अपन डिहाइड्रेट करते हैं इसको हीट करते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्गली सो इट एक्चुअली डिहाइड्रेट्स यू गेट माइनस वाटर आउट ऑफ इट ठीक है एंड अमाइंड इज फॉर्म ठीक है अमाइड इस तरह से अपन बना सकते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड सिंपली बाय रिएक्टिंग विद अमोनिया जो अमोनियम कार्बोक्सिलेट इसको हीट करो वी गेट अमाइड ठीक है दिस एक्चुअली डज नॉट गिव अ वेरी गुड यील्ड ऑफ द अमाइड यह अपन ने पहले भी देखा है ओके दिस इज नॉट अ वेरी गुड मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइड तो दूसरा जो मेथड है दैट इज इन दैट मेथड वी यूज एसिल हेलाइड तो एसिल हेलाइड से अपन अमाइड्स बनाते हैं देखो ये एसिडिल क्लोराइड है इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो so ये इसके ऊपर अटैक करेगा क्लोरीन रिमूव होगा एंड व्हाट यू गेट इज एसेमाइट ठीक है वेरी सिंपल तो आई कैन यूज एसिल क्लोराइड या इवन एस्टर्स यूज कर सकता हो टू सिंथेसाइज अमाइड्स, ठीक है ना सब्सटीट्यूटेड बनाना है तो ऑल अ प्राइमरी अमीन या सेकेंडरी अमीन ठीक है प्राइमरी अमीन अगर ले रहा हूं मैं तो फिर से वही रिएक्शन यू गेट सेकेंडरी अमाइड प्राइमरी अमीन लिया सॉरी प्राइमरी अमीन लिया तो मेरे को क्या मिल रहा है सेकेंडरी अमाइड मिल रहा है ओके प्राइमरी अमीन से सेकेंडरी अमाइड मिल रहा है और अगर मैं सेकेंडरी अमीन लेता हूं ओके अगेन सेम रिएक्शन ये इधर अटैक करेगा क्लोरीन निकल जाएगा व्हाट यू गेट इज अ टर्शरी टर्शरी अमाइड देखो सेकेंडरी अमीन यूज किया तो टर्शरी अमाइड मिल रहा है ओके okay. तो इसको भी अपन प्रॉपरली उसी से दिस इज बेंजामाइड है ना एन एन डायमेथिल बेंजामाइड नाम दे दिए इसको ओके हे इज अ रिव्यू क्वेश्चन व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बता ठीक है ध्यान में रखो कि प्राइमरी अमीन जब यूज करते तो अपने को सेकेंडरी अमाइड मिलता है ओके सेकेंडरी अमीन जब यूज करते तो टर्चरी अमाइड मिलता है और अगर टर्चरी अमीन यूज करेंगे तो क्या क्वार्टनरी मिलेगा क्वार्टनरी अमाइड होता है क्या नहीं होता है इजेंट इट सो देर इज नो रिएक्शन ओके रिमेंबर इट मस्ट बेसिकली रिमूव एच सी एल माइनस एच सी एल होना चाहिए ना यहाँ पे तो एच ही नहीं है ना रिमूव करने के लिए तो होगा ही नहीं इजेंट इट सो देर इज नो रिएक्शन तो देट इज वन रीजन ऑल्सो दिस इज वेरी स्टेरिकली हिंडर्ड स्टेरिकली बहुत ज़्यादा हिंडर्ट है सो so ये रिएक्शन वैसे भी नहीं होगी बेसिकली फॉर स्टेरिक रीजन इज वेल नेक्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज बेसिकली सिंथोस ऑफ अमाइड फ्राम एसिड अनहाइड्राइड रिम्बर एसिड क्लोराइड की जगह में एसिड अनहाइड्राइड या एस्टर भी यूज कर सकता हूँ ये देखो दोनों रिएक्शन यहाँ पे आ रहे हैं सेम रिएक्शन है एडिशन इलिमिनेशन नाइट्रोजन मैं यहाँ पर एड कर रहा हूँ आई कैन आइडर

So, this is how the reaction can happen. You get ammonium acetate and acetamide. Ammonium acetate se heat karo. So, you get amide. Okay. Next is ester ke Again, addition elimination reaction. Add it there. Eliminate this group. This will get converted into ethanol. And we get your amide. So, therefore we use acyl chloride. We use anhydride. We use ester to synthesize amide. Pretty much using the same method. ओके एंड वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर सब्सटीट्यूटेड अमाइड्स अगर मैं अमोनिया के जगह अमीन ले लूँ प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन ले लूँ तो आई कैन ऑल्सो संतोसाइज सब्सटीट्यूटेड अमाइड्स दिस इज स्मिट रिएक्शन स्मिट रिएक्शन से भी अपन अमाइड्स बना सकते हैं बेसिकली uh, ये अपन ने कार्बोक्जेलिक एसिड के सेक्शन में ऑलरेडी डिस्कस किया था लेकिन उसमें वी एक्चुअली यूज कार्बोक्जेलिक एसिड ओके okay? कार्बोक्जेलिक एसिड और उस उसमें अपने को प्राइमरी अमीन्स मिलता था ओके सो वी डू द सेम रिएक्शन विथ एसिड वी एक्चुअली गेट प्राइमरी अमीन्स ठीक है लेकिन जब अल्डेहैट कीटोन्स के साथ करते हैं अपन सो वी गेट अमाइट सेम रिएक्शन ठीक है पर, so reaction, ना स्मिट रिएक्शन अगर मैं कार्बोक्जिलिक के साथ किया तो क्या मिलेगा प्राइमरी अमीन मिलेगा और अगर अल्डाहीट कीटोन के साथ किया तो मेरे को क्या मिलेगा अमाइट uh, मिलेगा ठीक है अल्डाहीट के साथ किया तो प्राइमरी अमाइड मिलेगा और कीटोन के साथ किया तो सेकेंडरी अमाइड मिलेगा ठीक है तो इसमें अपन क्या यूज़ करते हैं वी यूज हाइड्रोज हाइड्रोजन अज़ाइड है ठीक uh, है ना हाइड्रोजन अजाइड यूज़ करते हैं इसको अपन बनाते हैं फ्रॉम सोडियम अजाइड से इस तरह से सोडियम अजाइड प्लस एच सी एल वी गेट हाइड्रोजन अजाइट ओके सो दैट इज अवर रिएजेंट इस तरह से अपन ने हाइड्रोजन अजाइड यूज़ किया एंड वी दिस द्थ अल्डेहाइड और कीटोन देखो कीटोन के साथ रिएक्ट करते हैं ठीक है ऑल यू हेट टू डू इस टू जो कार्बन और अल्कील ग्रुप है उसके बीच में वी नीड टू इंसर्ट नाइट्रोजन ठीक है ये हो गया उसी तरह से हाइड्रोजन के बीच में और कार्बन के बीच में वी नीड टू यूज इंसर्ट नाइट्रोजन ठीक है और फिर वैलेंसेज सेटिस्फाई कर दो so, देखो यहाँ पे कीटोन के साथ रिएक्ट किया तो वी गेट सेकेंडरी अमाइड और अगर अल्डेहाइड के साथ रिएक्ट किया तो वी गेट प्राइमरी अमाइड ठीक है ना तो इस तरह से रिएक्शंस हो रहे हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमने देखा है कि हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है उसके बाद अल्किल ग्रुप्स का ज़्यादा होता है और बेंजीन का थोड़ा कम होता है ओके इन सम केसेस बेंजीन ग्रुप इज़ ऑल्सो क्वाइट माइग्रेटरी मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा एक्चुअली वाट इज़ द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ बेंजीन बट इट डज़ माइग्रेट क्वाइट रेडीली ऑल्सो ठीक है सो आई एम सेग इज बेसिकली वट इज़ कि

Uh, मालूम रहना ज़रूरी है मैंने तुमको इसके पहले वाले क्लास में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बताया था Friend. तो कुछ रिएक्शंस देख लो अमाइट्स के हाइड्रोलोस टू गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइ्स को अगर मैं हाइड्रोलाइज करता हूँ यूजिंग आइदर स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ओके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में तो वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड रिमेंबर अमाइट्स आर लेस रिएक्टिव इसलिए थोड़ा सा अपने को स्ट्रॉन्ग कंडीशन यूज करने पड़ते हैं ओके okay? यस अमाइड आर लिस्ट रिएक्टिव इसलिए अपने को स्ट्रॉन्ग कंडीशन यूज करने पड़ते हैं सो वी हैट टू यूज हीट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टू हाइड्रोलाइज बट इवेंचुअली वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ नॉट पर्टिकुलरली गुड इन दिस केस बट यू नो ये जनरली अपन रिफ्लक्स करके छोड़ देते हैं बेसिकली सो वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड नेक्स्ट इज रिएशन ऑफ अमाइड्स टू अमीन्स ये भी अपन ने देखे है ओके okay? कैन लाइक सिमिलर रिएक्शंस अपन ने देखे वी यूज लिथियम अलुमिनियम हाइड्राइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट तो हमको क्या मिलता है प्राइम जो अमाइड है यूर टेकिंग अ प्राइमरी अमाइड दैट गेट्स रिड्यूस्ड टू अमीन अल्कोहल ठीक है ना तो अमीन अल्कोहल में रिड्यूस हो रहा है बेसिकली अमाइड नेक्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज हॉफमन डिग्रेडेशन रिएक्शन दिस इज बाई फार वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन दिस टॉपिक इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिए बेसिकली सो ये जो रिएक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ध्यान में रखना ओके okay, इसी को अपन हॉफ मन रियरेंजमेंट भी बोलते हैं इट्स हॉफ मन डिग्रेडेशन रिएक्शन हॉफ मन रियरेंजमेंट रिएक्शन ठीक है Hoffman reaction, Hoffman जो हॉफ मन के रिएक्शन है ये फिर से अपन अमीन्स चैप्टर में देखने वाले हैं मतलब नेक्स्ट चैप्टर में क्योंकि दिस इज एक्चुअली अ मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीन्स ओके okay, और होफमन के काफ़ी सारे रिएक्शंस अपन देखेंगे uh, दो या तीन रिएक्शंस आते हैं इसके बेसिकली इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आया ना अमीन्स चैप्टर में होफमन ये नाम तुमको ज़्यादा सुनने को मिलेगा ओके okay? इसने काफ़ी कुछ काम किया अमीन्स फंक्शनल ग्रुप के ऊपर दैट्स वाई इट इज़ दैट सो इसको अपन क्या बोल रहे हैं रिएक्शन का नाम क्या है हॉफमन डिग्रेडेशन रिएक्शन और हॉफमन रीअरेंजमेंट ठीक है यहाँ पर रिएक्शन जो है ओके दैट इज़ बेसिकली वी वी टेक प्राइमरी अमाइड ओके प्राइमरी अमाइड ही लेंगे अपन और प्राइमरी अमाइड को अपन प्राइमरी अमीन्स में कन्वर्ट करते हैं ठीक है इसके लिए जो रिएजेंट अपन यूज़ करते हैं वो होता है ब्रोमीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड समझ में आया क्या ब्रोमीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं इसमें अपने को इंटरमीडिएट मिलता है ओके अल्कील आइसोसाइनेट क्या मिलता है अल्कील आइसो साइनेट साइनाइट मत बोल देना कभी इट्स अ साइनेट नॉट साइनाइट ठीक है साइनाइट बोलते तो सी एन ग्रुप होता है आइसोसाइनाइट बोलते तो एन सी एन एन सी ग्रुप हो जाता है ठीक है ना दिस इज आइसोसाइनेट ओके एन सी ओ दैट इज द आइसोसाइनेट ग्रुप और रिएक्शन कंडीशन में ही इट रिएक्ट्स विथ वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है एंड वट वी गेट इज अमीन

तुमको सिर्फ नाम के साथ रिएक्शन ध्यान में रखनी है यह है ना अमाइट ठीक है ना अमाइड है राइट कितने कार्बन है इसमें वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कार्बन हैं एक कार्बन जो है ये वाला ये निकल जाएगा एस कार्बन डाइऑक्साइड ओके okay? तो इसको इरेज कर दो स्क्रैच कर दो और रीराइट कर दो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा तुमको प्यूटैन वन अमीन ठीक है ना रिएजेंट क्या है रिएजेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है ध्यान में रखना रिएजेंट ठीक है एसोसिएट करो हॉफमन ये ना, नाम को विथ ब्रोमीन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ठीक है इसको एसोसिएट कर लो तो ध्यान में रहेगा ओके हॉफमन डिग्रेडेशन रिएक्शन या हॉफमन रीअरेंजमेंट ठीक है इंटरमीडिएट को भी ध्यान में रखना है ओके ये रिएक्शन के ऊपर काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं सो यू मस्ट नो दिस रिएक्शन रिएक्शन मैकेनिज्म देखो क्या है ओके सो वी हैव दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन ये जो है ये रिएक्ट होते हैं और सबसे पहले आप अपने को मिलता है सोडियम हाइपोब्रोमाइट ठीक है विच इज बी आर ओ माइन सोडियम हाइपोब्रोमाइट ये मिलता है ठीक है ना दैट सोडियम हाइपोब्रोमाइट रिएक्ट्स विथ अमाइड ठीक है अमाइड से रिएक्ट होता हैट इज दिस कंपाउंड ठीक है यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया ब्रोमीन आ गया उसके बाद फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होता है और ये जो हाइड्रोजन है इसको एब्स्ट्रैक्ट करता है ठीक है एंड ये गेट अ नेगेटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन समझ में आया ना इसको अपन ने निकाल दिया सो लेट्स से ये दिस हाइड्रोजन अगर ये बेस इसको निकाल रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर जाएगा ओके सो यू गेट दिस इंटरमीडिएट ऑलराइट अब जो होता है दैट इज़ रीअरेंजमेंट इसीलिए इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं रीअरेंजमेंट दिस इज अ रीअरेंजमेंट स्टेप इसमें आर ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर जंप करता है रीअरेंज होता है इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रोमीन निकल जाएगा ठीक है ब्रोमीन निकल जाएगा सो वॉट वी गेट इज आर देखो आर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है सो आर एन सी ओके आर एन सी ओ क्या बोलते हैं इसको अपन अल्कील आइसोसाइनेट ठीक है ना सो दैट इज योर आइसोसाइनेट एज अ इंटरमीडिएट ये कब बनता है जब आर ग्रुप जंप होता है फ्रॉम दैट ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ये भी अच्छे से याद करना है मैंने तुमको बहुत कम बार बोला है रिएक्शन मैकेनिज्म याद करने के लिए ठीक है यू मस्ट नो रिएक्शन लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू नो इट राइट नाउ ठीक है ना जस्ट एक बार अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने ऑर्गेनिक में देखो रिएक्शंस पता चल जाएंगे देन यू मेमोराइज द रिएक्शन मैकेनिज्म आल्सो ठीक है थोड़ा बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं जो इंपॉर्टेंट है वही याद करना है ओके बट दिस वन यू नीड टू रिमेंबर द एंटायर मैकेनिज्म ओके बिकॉज दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट दिस रिएक्शन इज ठीक है सो वी गेट अल्कील आइसोसाइनेट एज अ इंटरमीडिएट ओके उसके बाद वाटर इसके ऊपर अटैक करता है कार्बन के ऊपर एंड वी गेट दैट अमाइड पोर्शन ओके अब यहाँ से देखो ये अमाइट का मतलब कहना लाइक अमाइट पोर्शन दिखता है अभी और यहाँ से ये यह पोर्शन निकल जाता है एज कार्बन डाइऑक्साइड बट वी गेट इज अ प्राइमरी अमीन ओके सो दैट्स हाउ द रिएक्शन इज यू कैन सी दैट लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पे रिएक्शन है पूरी चीज़ें याद रखना मुश्किल है ओके एटलीस्ट एट दिस पॉइंट जैसे तुम आ, आगे जाओगे पढ़ाई करोगे तो ये हो भी जाएगा ठीक है दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है आर ग्रुप यहाँ पे जंप हो रहा है ये इंटरमीडिएट बन रहा है ओके okay? और फिर यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है निगे प्राइमरी क्लियर है क्या सो ही इज अ रिएक्शन ही इज अ रिव्यू क्वेश्चन वॉट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बताओ शुड बी ईजी देखो इसका आंसर क्या है देखो दिस इज दिस रिएक्शन इज हॉफ म्रोमामाइड डिग्रेडेशन कैसे मालूम बिकॉज वी आर यूजिंग अमाइड एंड ब्रोमीन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड ये यूज़ कर रहे हैं ओके इससे अपने को हाइपोब्रोमाइट मिलता है बेसिकली और यहाँ से अपने को प्राइमरी एमीन मिलता है विथ वन कार्बन लेस ठीक है सो दैट इज द ओनली प्रोडक्ट दैट इज पॉसिबल रिएक्टेंट में चार कार्बन है प्रोडक्ट में तीन कार्बन होने चाहिए और राइट प्राइमरी अमाइड है प्राइमरी अमीन मिलना चाहिए ओके सो वी गेट हॉफमन ब्रोमोमाइट डिग्रेडेशन दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल विथ सेकेंडरी या टर्शरी अमाइड समझ में आया क्या सेकेंडरी या टर्शरी अमाइड के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है रिमेंबर वी नीड हाइड्रोजन टू बी रिमूव्ड इज इट रिएक्शन मैकेनिज्म ठीक से देखो हाइड्रोजन निकलने चाहिए तो दो हाइड्रोजन अपने को चाहिए ही चाहिए पहले स्टेप में ही पहले दो स्टेप में अपने को पता चल जाता है सो so ये दो हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए मतलब प्राइमरी अमाइड के साथ ही ये रिएक्शन हो सकती है इसीलिए सिर्फ प्राइमरी अमीन ही अपने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे अभी पर रुकेंगे एंड वी कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास ओके थैंक यू वेरी मच सी इन द नेक्स्ट क्लास बाय